जय हिंद। अध्ययन अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग जो कल जहां पर उसे छोड़े थे वहीं से उसे हम लोग कंटिन्यू शुरू करते हैं। कल हम लोग ने पढ़ रहे थे भीमबेटका, ठीक है। उसमें हमने चार पॉइंट लिखाए थे कि भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और विंध्य पर्वत श्रेणी में है। वहां पर शैल चित्र पाए गए थे, ठीक है, और मानव की सबसे पहले पेंटिंग भीमबेटका में है। अब उसी में आप अगले स्थान का नाम लिखिए, लोहदा नाला। लोहदा नाला है, ठीक है, लोहदा नाला, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट भैया लिखेगा लोहदा नाला। लोहदा नाला यूपी के प्रयागराज जिले में है। दूसरा पॉइंट यह है, देखिए यहां पर एक नदी है, बेलन नदी, ठीक है, बेलन नदी। थोड़ा सुन लीजिए, ये बताइए इसमें से जो है मतलब अमूमन प्रयागराज के रहने वाले कितने लोग हैं, प्रयागराज के प्रॉपर है? अच्छा बताइए, प्रयागराज में आपने बेलन नदी का कभी नाम सुना है? खड़े होकर बताइए भैया, नहीं सुना है, ठीक है। देखिएगा, आपने यहां पर जो कुरां वाला एरिया, शंकरगढ़ वाला एरिया है, कुरां वाला, उधर ये आपकी बेलन नदी बहती है, ठीक है, उधर ये बेलन नदी बहती है। तो इसमें अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, लोहदा नाला बेलन नदी घाटी में है। लोहदा नाला बेलन नदी घाटी में है। लोहदा नाला बेलन नदी घाटी में है। लोहदा नाला बेलन नदी घाटी में है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, लोहदा नाला से हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोहदा नाला से हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोहदा नाला से हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोहदा नाला से हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, देखिए प्रमुख स्थल का जिक्र कर रहे हैं, भीमबेटका हो चुका, लोहदा नाला हो चुका, ठीक है। अगला आप नाम लिखेगा हथनोरा। अगला स्थल है हथनोरा। एक मिनट भैया बताइए क्या कह रहे हैं, मानव की हड्डी है, मानव की हड्डी है, ठीक है। थोड़ा सा एक लाइन और सुन लीजिए, कहीं कहीं किताबों में आपको मिलेगा कि हड्डी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो उसमें मत जाइएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है भैया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला आपका स्थान है हथनोरा। अगला आपका स्थान है हथनोरा, ठीक है। इसमें लिखेगा, पहला पॉइंट लिखेगा, हथनोरा मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। हथनोरा मध्य प्रदेश में है। हथनोरा मध्य प्रदेश में है। हथनोरा मध्य प्रदेश में है। दूसरा पॉइंट में लिखेगा, हथनोरा नर्मदा नदी घाटी में है। हथनोरा नर्मदा नदी घाटी में है। हथनोरा आपका नर्मदा नदी घाटी में है। नर्मदा नदी घाटी में है, हो गया। तीसरा पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए भैया, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, तीसरा वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसका जिक्र कर रहे थे, नस्ल का ध्यान आ रहा है, नस्ल का जिक्र कर रहे थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोगों नस्ल का जिक्र किया था तो आपको बताए थे आर नस्ल और द्रविड़ नस्ल, इसी तरह मानव की जब उत्पत्ति हुई तो उसमें कई सारी नस्लें थी, उसमें भी कई सारी नस्लें थी, उसमें से एक नस्ल का नाम है होमो इरेक्टस। ये ध्यान रखिएगा, होमो इरेक्टस ये मानव की नस्ल, आरंभिक मानव की नस्ल है, ठीक है। तो सुपर टेट और यूपी टेट के एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन, पहले तो ये पूछता था, पहले अक्सर ही आ जाता था कि सबसे पहले मानव की खोपड़ी कहाँ पाई गई, तब तो हथनोरा लिख देते थे, लेकिन स्पेशली उसने पूछ लिया कौन से मानव की पाई गई थी, तो उसमें लिखेंगे होमो इरेक्टस मानव की पाई गई थी, और क्या पाई गई थी, मानव खोपड़ी,
समझिए किताब लिखेगा, कंफ्यूज मत करिएगा ठीक भैया। मानव खोपड़ी समझ रहे, केवल ये वाला पार्ट की बात हो रही है, केवल इस वाले पार्ट की बात हो रही है ठीक है। तो अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, हथनोरा से, लिखिए हथनोरा से होमो इरेक्टस मानव की, हथनोरा से होमो इरेक्टस मानव की, होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी, होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी, होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी ओके। अब ध्यान दीजिएगा भैया, आपके लेवल से है इसमें बहुत है ठीक है, जैसे आदमगढ़ भी है ठीक है, बहुत सारे पल्लरम है, बहुत सारे स्थान है, लेकिन हम केवल उनको लिए जो आपके वनडे के लेवल थे हैं ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आप रखिएगा, भीमबेटका वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वो बिल्कुल काम है, उसे आना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद आपका लोहदा नाला, उसे इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए आप जो एग्जाम देंगे यूपीएस स्पेशल वाले एग्जाम देंगे, समझ पा रहे ना, आप जितने भी एग्जाम देंगे यूपी स्पेशल वाले देंगे, तो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन उसमें बनते बहुत हैं ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य है यूपी में पहली बार कहां मिला, तो उसे लोहदा नाला, तो वो उन दोनों को वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा। और ये क्वेश्चन जो है अभी लेटेस्ट में ही आना शुरू हुआ था ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अगली हेडिंग बना लीजिएगा आप, मध्य पाषाण काल ओके। तो देखिए हम लोगों ने पूरा पाषाण काल में यह पढ़ा था कि पूरा पाषाण का जो मानव था जंगल में रहता था, शिकार करता था ठीक है। इस तरह उसके कई सौ साल बीत गए, कई सौ साल बीत गए। अब थोड़ी देखिएगा, थोड़ा सा क्रमिक विकास हो रहा है, क्रमिक विकास मतलब समझ रहे, थोड़ा सा कुछ सीख रहा है। अब थोड़ा सा आप ये बताइए, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो ठीक है, अगर आपने कुत्ते की प्रवृत्ति देखा हो तो उसकी प्रवृत्ति ये होती है कि जो आप काम करते हो वो उसमें आपकी सहायता करता है, ये बात आपने ध्यान दिया होगा। जो भी काम करते हैं आप ठीक है, जो भी काम करते हैं आपकी सहायता करने का प्रयास करता है, वो कर पाए चाहे ना कर पाए। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में मान लीजिए, अगर आप पर कोई अटैक करता है तो कुत्ता उस पर अटैक करता है, ये बात ध्यान दो। अगर आप मान लीजिए किसी चीज का शिकार करते हैं तो कुत्ता भी उसका शिकार करता है। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में अगर आप ध्यान दीजिए, आज से 10 से 20 साल पहले, अब तो फिलहाल गांव में एक लोमड़ी सियार पाए नहीं जाते हैं, पहले लोमड़ी सियार पाए जाते थे, तो लोग जब इनका शिकार करते थे साथ में कुत्ते को दौड़ाते थे ठीक है। तो अगर आप मानव का इतिहास देखेंगे तो कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जो आरंभिक से लेकर आज तक मानव के सबसे ज्यादा करीब है। नो डाउटफुल और भी है, लेकिन कुत्ता सबसे ज्यादा करीब है, गाय से भी ज्यादा करीब है। गाय बिस्तर में नहीं सो सकती, लेकिन कुत्ता बिस्तर में सो सकता है, उसको फिर आजादी है ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में मानव एक स्टेप बढ़ गया, उसने पशुपालन आरंभ कर दिया, और कौन सा पशु पाला है, कुत्ता। तो यहां पर लिख लीजिए, मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन आरंभ कर दिया, मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन आरंभ कर दिया, मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन आरंभ कर दिया। दूसरा पॉइंट भी लिखिएगा ठीक है, मानव ने सबसे पहले ठीक है, कुत्ता या डॉगी जो भी आपको अच्छा लग जाए लिख लीजिएगा, कुत्ता पालना आरंभ किया। मान लीजिए कुत्ता अच्छा ना लग रहा तो शेरू वरू लिख लीजिएगा, जो भी आपका नजदीक हो ठीक है। मानव ने सबसे पहले कुत्ता पालना आरंभ किया। जैसे अगर भारतीय समाज में देखेंगे, लोग कुत्ते को लेकर बड़ा इमोशनल रहते हैं, अगर उनके बच्चे कुत्ता बोल दिए, कहीं कुत्ता बोल दिया बताइए। तो इसीलिए जो भी, अगर मान लीजिए बहुत भावनात्मक हो तो जो भी आप लिखते हो, झबरा कुकुर लिखना हो लिख लीजिएगा। अगर आपने मुंशी प्रेमचंद की कथा पढ़ी होगी तो उसमें झबरा कुकुर रहता पूस वाली रात में ठीक है, पूस वाली रात में रहता झबरा कुकुर, देखिए कितना अधिक काम करता है, ध्यान आ रहा होगा आपको ठीक है। चलिए अब इसमें हेडिंग डाली भैया, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल, हाँ अगली हेडिंग है, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल या स्थान, ये लिख रहे हैं प्रमुख स्थल या स्थान। अगली हेडिंग है मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल या स्थान।
हेडिंग बना लीजिएगा मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल या स्थान, और इसमें आप पहला नाम लिखिए सराय नहर। सराय नहर, हाँ, जो पहला स्थल का नाम है उसका नाम है सराय नहर। सराय नहर हो गया। अगर इसमें से कोई प्रतापगढ़ का होगा तो वो जानता होगा, अगर कोई प्रतापगढ़ का होगा तो, क्योंकि ये जो स्थान है आपका प्रतापगढ़ में ही है, ठीक है। तो इस पे पहला नंबर लिखेगा भैया, देखिए सराय नहर यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। सराय नहर यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। सराय नहर यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है, हो गया। चलिए एक कॉमन क्वेश्चन बताइएगा जो आपने अपने जीवन में देखा होगा, ठीक है। देखिए जब भी हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, कभी हम आपसे उम्मीद ये नहीं करते कि आप किताब से पढ़ के बताइएगा। हम आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो आपके व्यवहारिक जीवन में घटित हुआ है, लेकिन आपने उसे देखा नहीं है, गौर नहीं किया या महसूस नहीं किया। आप जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं वो आपके व्यवहारिक, किताब वाला ज्ञान नहीं पूछते, क्योंकि किताब वाला होता तो आप यहां का करने आते हैं, हमारे पास का करने आते हैं, आप समझा रहे हैं, तो किताब वाला नहीं पूछते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि मानव को मरने के बाद, समझिएगा क्वेश्चन मेरा क्या, मानव को मरने के बाद कितने प्रकार से दाह संस्कार किया जाता है ये आपको बताना है, ये ध्यान रखिएगा। मानव को मरने के बाद कितने प्रकार से दाह संस्कार किया जाता है या अंतिम संस्कार किया जाता है ये आपको बताना है। अगर किसी को पता हो तो बताइए। अगर आपने सुना होगा भारत में एक जो है समुदाय पाया जाता है जिसे बोलते हैं पारसी समुदाय, या आप पारसी धर्म में भी बोल सकते हैं, ठीक है भैया। भारत में एक समुदाय पाया जाता है पारसी समुदाय, तो ये लोग इसी तरह करते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके डेड बॉडी को किसी ऊंचे स्थान पर छोड़ देते हैं और उसे चील कौवे जानवर खा लेते हैं, फिर जो हड्डी बस्ती उसका फिर वो अंतिम अपने धर्म के अनुसार कुछ अवशेष करते हैं, ठीक, ये उसी तरह होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना क्या है, नहर सराय में क्या लिखना है कि नहर सराय में आपको दाह संस्कार के साक्ष्य पाए गए हैं, ये लिख लीजिए भैया, उसमें लिख लीजिए, उसमें सराय नहर से दाह संस्कार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सराय नहर से दाह संस्कार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सराय नहर से दाह संस्कार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आइए उसमें अगला जो है स्थान लिखिएगा। अगला स्थान है आपका महदहा। अगला स्थान है महदहा, यह स्थान का नाम भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, महदहा। अगला स्थान है आपका महदहा, इसको भी लिख लीजिए, ये भी आपका यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है भी। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, देखिए यहां पर आपके सींग और हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए हैं भैया, लिख लीजिएगा, यहां पर सींग और हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, सींग और हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, सींग और हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, सींग, ठीक है, जो बैलों में, ठीक है, सींग और हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, ओके। इसको भी ध्यान दीजिए, सुनने का अजीब लग रहा होगा कि भाई हड्डी के और सींग के आभूषण कौन पहनता होगा, ठीक है, इसमें बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, जो आपके आदिवासी जंगल में जो लोग आदिवासी पाए जाते हैं वो आज भी हड्डी और सींग के आभूषण पहनते हैं, और आपको शायद जानकारी भी होगा गैंडे के सींग की, ठीक है, हाथी के दांत के, सबके आभूषण बनाए जाते हैं।
आइए अब हम लोग अगले स्थान की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला स्थान आप डाल लीजिए दमदमा। अगला स्थान है दमदमा। सब स्थान के नाम है ध्यान रखिएगा, दमदमा ये भी आपके स्थान के नाम है, ठीक है। ये भी आपके यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है, तो लिख लीजिएगा यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है, हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पर लिख लीजिएगा, मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये लिखा भी है, मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हो गया। एक अगला नाम लिख लीजिएगा इसमें, अगला नाम है भैया, अगला स्थान है बागोर। बागोर, बागोर अगला स्थान है, अगली हेडिंग है आपकी बागोर। इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा, बागोर आपका राजस्थान में है, एक लाइन लिख लीजिए भैया, बागोर आपका राजस्थान में है, बस इतना ही लिखना है, बागोर आपका राजस्थान में है, हो गया। अब देखिएगा जो इसमें कॉमन मैटर है भैया, नोट हो गया सब लोग का, इसमें केवल कॉमन मैटर यह है कि मानव ने सबसे पहले पशुपालन कब आरंभ किया, मध्य पाषाण काल में, और कौन सा पशु पाला, कुत्ता। ये बिल्कुल कॉमन पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट आप इसे, और जब दीप जाता है तब जाके पूछता है कि मध्य पाषाण काल के स्थलों के नाम बताइए, लेकिन कॉमन इसमें यही है। जैसे मैंने बताया पूरा पाषाण काल में क्या कॉमन है, भीम बेटिका, उसी तरह इसमें जो कॉमन है केवल केवल इतने कॉमन है कि मानव ने पशुपालन कब आरंभ किया और पहला पशु क्या पाला, बस यही आपका कॉमन है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, नौ पाषाण काल आइए देखते हैं। नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल हो गया। नौ पाषाण काल की पहली विशेषता क्या लिख लीजिएगा, नौ पाषाण काल में मानव कृषि कार्य आरंभ कर दिया, लिख लीजिए भैया, नौ पाषाण काल में मानव कृषि कार्य आरंभ कर दिया, नौ पाषाण काल में मानव कृषि कार्य आरंभ कर दिया, हो गया, लिख गया। अब यहां पे थोड़ा सा कॉमन चीज लगाइएगा, ठीक है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट नहीं है, वो लिखाया नहीं, जिसे समझने का प्रयास करिएगा। जैसे देखिएगा, क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति गेहूं बोए और गेहूं बो के दूर चला जाए, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा संभव है अगर कोई व्यक्ति भेड़ चरा रहा है तो भेड़ चराते चराते एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, क्योंकि वहां पर घास क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ये भी बात क्लियर हो गया। अगर मानव कृषि कर रहा है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप देखे होंगे गांव में देखे होंगे कि व्यक्ति जो भी किसान है अगर हल उसका टूट जाता है तो अपने से हल वो छोटा मोटा हल बना लेता है, अपने आप बना लेता है। जैसे वर्तमान में आप देखिए गांव में जितने भी लोग ट्रैक्टर चलाते हैं कम से कम आधा ट्रैक्टर तो खुद ही बना ले रहते हैं, मतलब कोई वो इंजीनियरिंग की डिग्री उनके पास नहीं है लेकिन इंजन खोल खाल के फिटफट के बराबर कर लेते हैं, बात समझ पा रहे हैं ना। अब अगर यहां पे ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए कि मानव सबसे पहले इंजीनियर कब बना तो क्या बताएंगे, नौ पाषाण काल में, क्योंकि नौ पाषाण काल कब से हम हल तो अपने लिए बना ही रहा है भाई, वो हल तो बना ही रहा है, पहिया तो बना ही रहा है, अपने लिए घर तो बना ही रहा है वो, अगर आप टेक्निकल देखिए घर तो बना ही रहा है, और घर कौन बनाता है, इंजीनियर बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन को भी ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चन है देखिए कि मानव ने स्थायी जीवन कब आरंभ किया, नौ पाषाण काल में,
लेकिन अभी तक पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में मानव स्थायी जीवन नहीं रहता, क्योंकि भेड़ चराने के लिए, जानवर चराने के लिए हमें जरूरी नहीं एक जगह में रहना, एक जगह में मतलब भैंस चराए चले गए अगले जगह, बात क्लियर है। तो यहां पर टेक्निकल भी ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए भैया कि मानव ने नवपाषाण काल में स्थायी जीवन आरंभ किया, लिख लिया ठीक अपने से लिख लिया, मानव ने नवपाषाण काल में स्थायी जीवन आरंभ किया, मानव ने नवपाषाण काल में स्थायी जीवन आरंभ किया, ओके। दूसरा इसमें लिख लीजिएगा, पहिए का प्रयोग मानव ने नवपाषाण में आरंभ किया, पहिए का प्रयोग मानव ने नवपाषाण काल में आरंभ किया, पहिए का प्रयोग मानव ने नवपाषाण काल में आरंभ किया, हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, दो पॉइंट हो गए ठीक है, कृषि कार हो गया, पहिया हो गया ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब आप हेडिंग बना लीजिएगा नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल या स्थान, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल या स्थान, हेडिंग बनाइए भैया नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल या स्थान। इसमें जो पहली आप हेडिंग बनाइएगा, मेहरगढ़ है, मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ यह स्थान का नाम है। तो ये सबसे पहले देख लीजिए कहां पर है, पाकिस्तान में एक स्थान है, हाँ बलूचिस्तान, तो उसको लिख लीजिए भैया, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ पाकिस्तान के, लिखा है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, हो गया। अब इसमें दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहां पर जो शब्द आएगा भारतीय उपमहाद्वीप आएगा, ध्यान रखिएगा ठीक है, और इसको बल्कि इसको नोट कर लीजिएगा, बल्कि यहीं पे कहीं पे एक नोट कर लीजिए, वहीं पहले नोट लिखिए, नोट पहले लिखिए, हाँ नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा, पहले नोट लिख लीजिए बताएं ठीक है। नोट में देखिएगा एक शब्द है जो है, पहले से समझ ली लिखिएगा, ये एक टेक्निकल शब्द है भारतीय उपमहाद्वीप, पहले से समझिएगा ठीक है, नोट में लिखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप, ओके। अब आपको थोड़ा सा जानकारी बता दें कि जब भी ज्योग्राफी में शब्द बहुत आएगा, ज्योग्राफी में शब्द बहुत ज्यादा आएगा भारतीय उपमहाद्वीप, और भारतीय उपमहाद्वीप का जब भी अर्थ निकाला जाता है तो उसमें ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे देश किस में आएंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में आएंगे। तो इसको लिख लीजिएगा भैया कि भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में, शुरू से लिखिएगा अफगानिस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश,
श्रीलंका, भारत, कितने हो गए? सात, सात है ना, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, ये एग्जैक्ट डेफिनेटेड नहीं है, आपको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने सामने लिखाया है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो जब भी आपको देखिए ये ध्यान के भारतीय उपमहाद्वीप शब्द आएगा तो ध्यान के भारतीय उपमहाद्वीप जब भी आएगा तो आपको इन सारे देशों को समझने की, ये सारे देश इसमें जुड़े हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए कहता है क्योंकि भैया 1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, अब ये कहां पर चला गया, ये पाकिस्तान मिला। अब ये क्वेश्चन नहीं बनाएगा कि भारत में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से मिलेगा, अब क्वेश्चन क्या बनाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं, मेहरगढ़ से। भारत के परिप्रेक्ष्य में आएगा वो दूसरा है, उस पर शोधकार चल रहा है, अभी परफेक्ट नहीं आया, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में दूसरा है, तो इसको लिख लिया, देखिए मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से कृषि कार्य के, मेहरगढ़ से कृषि कार्य के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से कृषि कार्य के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अगले स्थान की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला स्थान आप लिखेगा ये लिखा है बुर्ज होम है भैया, ये अगला स्थान है बुर्ज होम, अगला आपका स्थान है बुर्ज होम, ठीक है। तो इसमें पहली लाइन लिख लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर में है, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा जम्मू कश्मीर में है, बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर में है, ओके, जम्मू कश्मीर में है। अब आइएगा इसमें, इसमें एक टेक्निकल शब्द आता है, पहले समझिएगा तब करिएगा, गर्त आवास, गर्त माने क्या होता है, गड्ढा होता है, जिसे इंग्लिश में आप अंडरग्राउंड होम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बुर्ज होम में आपके गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो लिख लीजिए सर, लिखिएगा बुर्ज होम से, लिख लीजिए भैया उसमें बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ओके। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अभी लेटेस्ट में सीजीएल में ही क्वेश्चन दो बार आया है, अच्छा जब भी क्वेश्चन दो तीन बार पूछ लिया जाता है तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, तो उसको लिखना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर उसने लिया कि जंगली कुत्ते और बारह सिंघा के साक्ष्य लिया है, ध्यान दीजिएगा, अब उसे आप कुत्ते ही कर लीजिएगा, जंगली कुत्ते जाने दीजिए, कुत्ते और बारह सिंघा, तो इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन बहुत आया, ये बड़ी दिक्कत कर रहा है यार, चलिए लिख लीजिएगा बुर्ज होम से, अगला पॉइंट भी अगला समय बुर्ज होम से, ठीक है, जंगली कुत्ते, बुर्ज होम से जंगली कुत्ते और बारह सिंघा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जंगली कुत्ते और बारह सिंघा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अगले स्थान की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कोल डीहवा, ये कोल डीहवा,
ये अगला स्थान है आपका। तो सबसे पहला इसमें यही लिखिएगा कि यूपी के प्रयागराज जिले में है, यूपी के प्रयागराज जिले में है, यूपी के प्रयागराज जिले में है। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लिया, यूपी के प्रयागराज जिले में लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिख लिया, बेलन नदी घाटी में है, बेलन नदी घाटी में है, बेलन नदी घाटी में है। हो गया। अब थोड़ा सा लिंक करिएगा, पूरा पाषाण काल में भी लोधा नाला कहां है, यहीं पर है, और ए भी यहीं पे, दोनों एक ही जगह है। तो ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल के भी हैं और नौ पाषाण काल के हैं। अगला पॉइंट पे लिखिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। देखिए, या तो आपको चावल कह दे, ठीक है, या धान कह दे, या धान की भूसी कह दे, ठीक है भैया, सब बात एक ही है, ठीक है, हाँ राइस भी कह दे, सब बात एक ही, बात समझ पा रहे ना, ठीक है। फिर आप कहिए, अरे सर आप चावल लिखा है तो भूसी पूछ लिया, तो कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। इसका लिखिएगा, कोलडीवा से चावल या धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कोलडीवा से चावल या धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कोलडीवा से चावल या धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चावल या धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हो गया, ठीक है। एक स्थान और, उसका मुझे थोड़ा सा नाम नहीं ध्यान आ रहा है, वहां पर भी शोध कार्य चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा आप, ये नाम ध्यान रखिएगा, दूसरा देखिए यहां पे, ये ध्यान रखिएगा, अभी रुक जाइए, पहले समझ लीजिएगा मेहरगढ़, ठीक है। एक स्थान है, उसका थोड़ा सा नाम मिस हो रहा है, वो आपके कबीर संत कबीर नगर जिले में आता है, ठीक है, उसका थोड़ा सा मुझे वो ऐसे अभी पूछा नहीं जा रहा है, वो अभी पूछा नहीं जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जब भारत में पूछता है कि भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, कोलडीवा से, क्योंकि देखिए अब पार्टीशन हो गया, ये कहां चला गया, पाकिस्तान में चला गया। अभी एक और लेटेस्ट चल रहा है, शोध पत्र उस पर चल रहा है, ठीक है, संत कबीर नगर में भी एक स्थान है, उसका नाम थोड़ा सा मुझे दिमाग का वो भी है, ठीक है, लेकिन वो अभी वो सिविल के लेवल में, वनडे के लेवल में वो अभी नहीं आया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के परिपेक्ष में अगर पूछा जाए कि भारत में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से मिलेंगे, तो कोलडीवा है, और भारतीय उपमहाद्वीप में क्या है, मेहरगढ़ है, इसको कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा। चलिए आगे बढ़िए, इसमें से अगला स्थान हम लोग लेते हैं, ये गुजरात में, बस हो गया, इसको इतना लिख लीजिए, गुजरात में है, ठीक। तो बस इतना रखिए, से पर्याप्त है, हो गया, ठीक है। ये आपका पाषाण काल पूरा तैयार हुआ है, ठीक है, थोड़ा उसे ध्यान दीजिए, पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो मानव था जंगल में रहता था, केवल शिकार करता था, उसके जो प्रमुख स्थल है भीमबेटका है, लोधा नाला है, और भीमबेटका, लोधा नाला, हथनोरा, ये तीन उसके प्रमुख स्थल हैं, और भी हैं, लेकिन जो आपके लिए बोलते तीन बिल्कुल प्रमुख स्थल है। जैसे हम लोग मध्य पाषाण काल में आते हैं उसी मार्ग, ठीक है, फिर जैसे हम लोग मध्य पाषाण काल में आते हैं, तो देखिए मध्य पाषाण काल का जो आपका मेन है कि उसमें पशुपालन आरंभ करता है, और पहला पशु आपका डॉगी है, ठीक है। स्थान में आपका पूरा आपका लिखा हुआ पढ़ लीजिए एक बार, उसको देख लीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग नौ पाषाण काल में, तो उसकी विशेषता क्या है, मानव ने कृषि कार्य आरंभ किया है, और यहीं से स्थायी जीवन आ रहा है, यहीं से पहिए का प्रयोग आ रहा है, ठीक है। देखिए समझिएगा, इन्होंने आग वाला किया, ठीक है, ये सबसे विवादित क्वेश्चन रहता है, और मुझे ख्याल से आप में से कोई ईमानदारी से बताएगा, झूठ नहीं बोलेगा, कभी आपने देखा हो, कभी पूछा है मानव ने आग का प्रयोग कब किया, अरे यार एग्जाम में आया है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, है क्या मेरी समझिए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पहली बात इसी में आ रहे हैं, इसी को समझाना था, ये सबसे लास्ट में लेते हैं, आग वाला सबसे लास्ट में लेते हैं, क्योंकि आग लगाना काम भी बड़ा मुश्किल काम होता है, आसान काम होता है, इसीलिए लास्ट में, तो समझिएगा इसको, समझिए हो क्या रहा है। एक होता है भैया
एक होता है आपका जानना, एक होता है उसका प्रयोग, एक होता है सुन ली, एक होता है आपका ज्ञान होता है, एक प्रयोग होता है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। एक होता है ज्ञान होता है कि हाँ, एक होता है प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल यहां पर सुनिए, समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये वाला मोबाइल है आपका, ठीक है, ये स्मार्ट वाला, और इसको एक काम करिए, जो भी आपके घर में जो 80 या 90 साल की ओल्ड एज की कोई माता हो या कोई हुई हो, उनके बगल में रख दीजिए, और बगल में रहने के बाद उसमें बिल कर दीजिए, तो निश्चित मोमेंट है, मान लीजिए कुछ बहुत स्मार्ट हो उनको छोड़ दे, सामान्यता ये होगा कि भैया देखिए आपका फोन बज रहा है, इसको रिसीव कर लीजिए, इसको उठा लीजिए, यही कहेगा ना। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं आप उसे उठा के बात कर लीजिए, तो कहेंगे भैया हमको आता नहीं कैसे से बात किया जाता है, बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे बात। अब यहां पे समझने की बात है, उनको ये इस बात का ज्ञान है कि मोबाइल जैसी कोई वस्तु है, इससे बात की जाती है, फोटो की जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, लेकिन कैसे किया जाता है ये न पता नहीं है। तो ये समझिए, ज्ञान तो है लेकिन क्या है, प्रयोग करना नहीं जानते हैं, प्रयोग करना नहीं जानते हैं। तो अब हो क्या रहा है, और जो हम लोग आपका पाषाण काल पढ़ रहे हैं, तो पाषाण काल में कोई लिखित साक्ष्य कहीं नहीं है, कहीं कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। मैंने प्रागैतिहासिक काल वाला जो टाइम बताया वो वाला टाइम है। तो यहां सब कुछ क्या है, अनुमान से लिया जा रहा है, सब कुछ किसे लिखा जाता है, अनुमान से लिया जा रहा है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अब मानव का जो आग का ज्ञान है, इसको तो मान लिया जाता है पूरा पाषाण काल में हो गया था। कैसे हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि जंगल में हमेशा आग लगती रहती है, हमेशा आग लगती थी जंगल में, तो उसने जंगल में आग जैसी चीज तो देखी थी, लेकिन प्रयोग कैसे करना ये उसको क्लियर नहीं था। तो अमूमन जो इतिहासकार ये लिखते हैं कि मानव ने जो आग का प्रयोग किया था नवपाषाण काल में किया था। लेकिन ये बताइए नवपाषाण काल की कोई क्या लाइन, क्या एग्जैक्ट, हमने यहां से लाइन खींच दिया तो ये भैया मध्य पाषाण काल है, लाइन के उधर चले गए तो ये नवपाषाण काल आ गया, तो कोई एग्जैक्ट लाइन तो है नहीं है। इसीलिए कभी भी आप इतिहास में देखेंगे, इसमें आपका जो टाइम पीरियड है, जितनी किताब पढ़ेंगे उतना टाइम पीरियड है, क्योंकि कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है। तो जो आग का वाला है कि मानव ने कब का प्रयोग, इसीलिए मुझे टच नहीं करते, क्योंकि कहीं भी एग्जैक्ट नहीं लिखा है। हाँ, आपकी सुविधा के अनुसार अगर आप इसे लिख सकते हैं तो यही लिखते हैं कि मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में आरंभ किया, इसलिए किया क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर उसने आरंभ कर दिया। लेकिन ये कहीं लिखा नहीं, हो सकता है उसने मध्य पाषाण काल में शुरू कर दिया हो, क्योंकि मध्य पाषाण काल में उसने क्या किया था, मतलब डॉगी पालना आरंभ कर दिया था, तो हो सकता है पशु चराते समय आग भी जलाता वो रहा हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, बात को समझ पा रहे ना। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो वह लिख लीजिए, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है जहां तक हमें पता है, हम अपने स्तर से बता रहे हैं, ठीक है, बात क्लियर हो गया। दूसरा ये लिखिएगा, समझिएगा, यहां पे नोट लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा, नोट लीजिए, टाइम भी हो गया भैया। देखिएगा, जो हमने कल प्रमुख श्रद्धा बलिया लिखाई है, तो उसमें हमने लिखा है प्राग ऐतिहासिक काल लिखाया ना, तो प्राग ऐतिहासिक काल का डेफिनेशन क्या है कि इस काल में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए, जो पूरा प्राग ऐतिहासिक काल है या पूरा पाषाण काल है, पूरा जो पाषाण काल है किसमें आता है, प्राग ऐतिहासिक काल में ही आता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको लिख लीजिएगा, पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, क्योंकि इस काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। क्योंकि इस काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। एक और लिखा है, इस काल का समस्त ज्ञान हमको पत्थरों से प्राप्त होता है, इस काल का समस्त ज्ञान हमको पत्थरों से प्राप्त होता है, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। जी भैया, हमारा आज पाषाण काल पूरा हो गया है, और कल हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।